evening to my civil engineering friends. How are you? My name is Santosh Kulkarni and we are seeing possible questions of the interviews. So, आज का सवाल ये है कि अगर आपको किसी ने बोला कि स्टील की बजाय ग्लास यूज करना है तो यूज कर सकते हैं क्या बिल्डिंग में, तो क्या जवाब होगा आपको? हाँ बोलेंगे, ना बोलेंगे? नहीं, खाली हाँ या ना के आंसर्स मत दीजिए। जहाँ तक हो सके आपके आंसर्स फुल्ली सपोर्टेड होना चाहिए। एक दो दो तीन तीन लाइंस के आंसर्स आपके होने चाहिए। तो आप क्या बताएंगे? आपको ऐसे बताना चाहिए, सर स्टील की यूनिक प्रॉपर्टीज है जैसे डक्टिलिटी, इलास्टिसिटी। ग्लास की अलग प्रॉपर्टी है जैसे ट्रांसपेरेंसी, ट्रांसलूसेंसी, पारदर्शकता, है ना, या अर्ध पारदर्शकता। तो इस वजह से स्टील हम लोग गिनी कुछ सिलेक्टेड जगह पे यूज करते हैं और ग्लास के एप्लीकेशंस सिलेक्टेड है। क्या क्या एप्लीकेशंस है स्टील के, अगर उन्होंने पूछा आप क्या बताएंगे? देखिए सर, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन अगर होगा तो स्टील बहुत सारी जगह पे यूज होता है। फॉर एग्जांपल, रिइंफोर्समेंट स्टील, विंडोज, डोर्स, फ्रेम्स, ग्रिल्स, स्टेयरकेस, हैंड रेलिंग, बालकनीज, हैंड रेलिंग, वाटर टैंक कवर्स, इवन स्टील वाटर टैंक्स भी दे सकते हैं हम लोग। ये हो गई कुछ एप्लीकेशंस रेसिडेंशियल की। अगर आप ब्रिजेस में जाएंगे तो पूरे स्टील के गर्डर से आएंगे। लॉन्ग स्पैन ब्रिजेस में जाएंगे तो पोस्ट टेंशनड स्लैब्स, तो पीटी स्लैब के टेंडन्स किस चीज के है? स्टील के है, आए ध्यान में? तो स्टील की ये सारी मोस्टली स्ट्रक्चरल एप्लीकेशंस है। इसमें एस्थेटिकल एप्लीकेशंस क्या हुई? खाली डोर विंडोज के शटर्स, वो थोड़ी इकोनॉमिकल एप्लीकेशंस है स्टील की। और ग्लास की अगर आप देखें, ग्लास की एप्लीकेशंस तो क्या क्या हुई? एक तो बिल्डिंग का पूरा फसाड, फसाड समझते हैं, बिल्डिंग के फ्रंट में पूरी ग्लेजिंग लगाते हैं टिंटेड ग्लास की, उसको कहते हैं फसाड। उससे बिल्डिंग की खूबसूरती निखर जाती है, दैट इज कॉल्ड फसाड। तो बिल्डिंग के फसाड में पूरी ग्लेजिंग लगाई है, वो ग्लास की है। विंडोज के पेंस में लगाते हैं ग्लास ट्रांसपेरेंसी के लिए। वेंटिलेटर के लूवर्स में लगाते हैं ग्लास। डोर के पैनल्स में लगाते हैं ग्लास। केबिन्स, क्यूबिकल्स हुई तो उनके पार्टीशंस जो करते हैं वो भी है ग्लास के। उसके अलावा बिल्डिंग्स के छत में ग्लास की ब्रिक्स हम लोग लगाते हैं फॉर स्काईलाइट्स, सूर्य प्रकाश की रोशनी, सूर्य प्रकाश रूम में आने के लिए हम रूम में लगाते हैं ग्लासेस, ग्लास की ब्रिक्स। तो ये हो गई ग्लास की स्पेसिफिक एप्लीकेशंस। अभी इनको आपस में इंटरचेंज करना पॉसिबल नहीं है, ये आपका आंसर होना चाहिए। सो जो ग्लास की एप्लीकेशंस है वो ग्लास में होंगी, जो स्टील की एप्लीकेशंस है वो स्टील में होगी, क्योंकि एक दूसरे के गुण जो जैसे है वैसे ही एप्लीकेशंस विकसित की गई है। आया ध्यान में? इतना आंसर आपको देना है। आप इतना आंसर देंगे तो अगला खुश हो जाएगा। आए धन में, तो मेरा नाम आपको याद है कि नहीं? संतोष कुलकर्णी। और सब्सक्राइब आपने अगर नहीं किया है अभी तक तो आज कर लो भैया। थैंक यू सो मच।